राधा चित् पल्लवल् विलोडित रुचिर्षिखण्डं हरिमन् वन्दे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासन्धुभ्यैव च पतितानां पने भ्यो भ्यो नमो नम पावने भ्यो वैष्णवे श्री राधा वल्लभ लाल श्री सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से विगत दिनों से अपने लोग भक्ति के चौसठ अंगों की व्याख्या कथन श्रवण कर रहे हैं जिसमें कल छठे अंग की व्याख्या प्रारंभ हुई कृष्णार्थे भोगादि त्यागो श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रभु की प्राप्ति के लिए भोगादि का त्याग बहुत महामहिमा में सूत्र बहुत महामहिमा में अंग है क्योंकि बिना भोग बुद्धि बिना राग बुद्धि को त्यागे कोई भगवत रस का अनुभव नहीं कर सकता इसलिए शास्त्रोचित कर्म करने को कहा गया गुरु के अनुसार अपनी दिनचर्या को ढालने को कहा गया मनमुखी चलने को मना किया गया क्योंकि मन अनंत जन्मों से भोग से ग्रसित है उसे भोग भोगने की आदत पड़ी हुई है अनंत जन्मों से वे भोगों को ही भोगता चला आ रहा है अब गुरु और शास्त्र का आदेश पालन करने से वह मन प्रभु के चरणों में अग्रसर होता है उनके चरणों का चिंतन जन प्रारंभ कर देता है तब जाकर के वह धीरे धीरे भोग वृत्ति को हटा करके प्रभु के चरणों में समर्पित होता है जब तक भोग बुद्धि बनी हुई है माया के प्रति आकर्षण है अपने कुटुंब पालन का जैसा कि कल वर्णन हुआ उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण है अर्थात उसी में लगे हुए हैं तब तक कोई भगवत रस का अनुभव कर पाए कठिन है क्यों कठिन है क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो तो आनंद स्वरूप ही है तो आनंद किसको चाहिए इस मन बुद्धि को ही प्रभु में लगाना है और वह मन बुद्धि संसार में लगे हुए हैं भोगों में लगे हुए हैं तो एक ही, ही हैं दो तो हैं नहीं जब वह मन बुद्धि भोग आदि में लगे रहेंगे तो प्रभु में क्या कौन लगेगा इसलिए महापुरुषजन आदेश करते हैं कृष्णार्थे भोगादित त्यागो भगवान के लिए भगवान के रस का अनुभव करने के लिए उनका आनंद प्राप्त करने के लिए भोगों को त्यागना परमावश्यक है निश्चित रूप से परमावश्यक है तो श्री ठाकुर जी के लिए भोग आदि का त्याग करना बहुत आवश्यक है जब तक भोग आदि का त्याग नहीं होगा तब तक प्रभु में रति नहीं होगी वर्तमान में उनका आनंद अनुभव नहीं होगा लौकिक भोग सामग्रियों की प्राप्ति में संतुष्ट होना ये लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ा बाधक है लौकिक जितनी भी भोग संपत्तियां उसमें हम संतुष्ट हो गए उसी के द्वारा हम मनोरंजन करने लगे मन का रंजन करने लगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे इसलिए ये लौकिक भोग सामग्री की जो प्राप्ति है इसमें संतुष्ट होने से लक्ष्य प्राप्ति में बाधा खड़ी हो जाती है किसी भी स्थिति में हमें किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी से भी संतुष्ट नहीं होना कोई व्यक्ति हमें हमारा स्मरण छुना छुड़ाना चाहे जो प्रभु का हम स्मरण करते हैं वह स्मरण छोड़ाना चाहे उस व्यक्ति का त्याग उस वस्तु का त्याग उस स्थान का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक प्रभु का नित्य निरंतर चिंतन नहीं होगा और बिना चिंतन के प्रभु के रस का अनुभव नहीं हो सकता हम राजी हो जाते हैं कि चलो हमें इस व्यक्ति का सहारा मिल गया चलो ये वस्तु हमारे मनोरंजन का साधन बन गई चलो हमें अमुक स्थान मिल गया अब हमारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा परंतु इन लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाने के कारण हम अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति से बहुत दूर चले जाते हैं इसलिए हमारे संतोष का विषय जागतिक भोग सामग्री नहीं होनी चाहिए हमारे आनंद का विषय कोई संसारिक व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं होना चाहिए अपितु हम ये बात हृदय में बैठा लें कि प्रभु के श्री चरणानविंद की प्राप्ति से ही हमारी जलन मिटेगी उन्हीं के चरणों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए सिद्धांत है जब तक प्रभु की शरणागति नहीं होगी प्रभु से अपनापन नहीं होगा इन लौकिक भोगों के प्रति ही आकर्षण बना रहेगा तब तक जी की जो जलन है हृदय की जो जलन है हृदय की जो पीड़ा हृदय का जो दुख है वह शांत नहीं हो सकता ऐसे प्रभु को जो परम में है परम करुणा में है उनको छोड़कर के हम जागतिक भोगों को ही सत्य माने हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा श्री सूरदास जी कह रहे हैं कैसे हैं प्रभु कैसा वे अपने जनों से प्रेम करते हैं जाको मनमोहन अंग करें ताको केश खसे नहीं सिरते जो जग बैर पर जा को मन मोहन अंग करें हिरण कशिपु परहार थक्यो प्रहलाद नने कूदरे अजू लगी उत्तान सुत सूत अविचल राज करे राखी ल्रुपद तन आ की कुरुपति चीर हरे दुर्जोधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे जा को मन मोहन अंग करे जो सुरपति को प्यो ब्रज ऊपर क्रोध न कछु सरे ब्रज जन राखी नंद को लाला गिरिधर बिरद धरे जा को बिरद है गर्व प्रहारी सो कैसे बिस्रे बिसरे भगवंत भजन करी शरण गए उबरे जाको मन मनमोहन अंग करे जिसने सब कुछ त्याग करके प्रभु की शरण ग्रहण करी और प्रभु ने जिसको अंगीकार कर लिया जिस किसी को भी अंगीकार कर लिया ऐसा कौन है जो उसके सिर का एक बाल तक छू सके ऐसा कौन है जो उसके सिर का एक बाल भी तोड़ सके अर्थात उसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता उसकी जिसको प्रभु ने अंगीकार कर लिया जो प्रभु का हो गया उदाहरण में कह रहे हैं हिरणा कश्यप पर हार थक्यो क्यों प्रहलाद न ने कुटर कैसा निर्भय पद पा लिया श्री प्रहलाद जी ने यद्यपि बालक हैं लेकिन गुरु कृपा बल से नारद जी की कृपा से प्रभु से संबंध जुड़ गया प्रभु से अपनापन हो गया प्रभु ने उन्हें अंगीकार कर लिया तो हिरणा कश्यपु जिसके डर से पृथ्वी कांपती है बड़े बड़े देवता थरथर कांपते हैं लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल नहीं डर रहे क्यों क्योंकि प्रभु का बल हृदय में धारण हो गया प्रभु के शरणागत हो गए प्रभु के आश्रित हो गए कई प्रकार के कष्ट देने का भरसक प्रयास किया हिरणा ने लेकिन हिले नहीं डिगे नहीं प्रहलाद जी श्री उत्तान पात के सुत श्री ध्रुव जी इनको प्रभु ने स्वीकार किया इन्होंने प्रभु को स्वीकार किया तो आज भी सबसे ऊपर उनका वास है ध्रुव तारा जैसे ध्रुव मंडल ध्रुव लोक कहते हैं उनका वास है प्रभु ने स्वीकार कर लिया राखी लाज द्रुपद तनिया की कुरपति चीर हरे द्रुपद कन्या द्रौपदी जी इनका चीरहरण कर रहा है दुशासन लेकिन प्रभु की शरणागत हैं प्रभु के आश्रित हैं प्रभु ने इनको अंगीकार कर लिया है तो इनकी लाज प्रभु ने रखी कैसे कोई इन प्रभु का भजन ना करे हम दूसरों का आश्रय लिए रहते हैं लेकिन हर विषय में हर परिस्थिति में हम इनका आश्रय लिए रहें प्रभु का आश्रय लिए रहें तो निश्चित रूप से हर प्रकार से ये योग और क्षेम का वहन करते हैं लाज राखी श्री द्रुपद सुता की दुर्योधन को मान भंग करी बसन प्रवाह भरे जो सुरपति को ब्रज ऊपर क्रोध न कछु सरे सुरपति अर्थात इंद्र देवताओं का राजा ब्रज के ऊपर कोप किया कि सब मेरे पूजा अर्चना में लगे हुए हैं ये ब्रजवासी की बुद्धि ठगी गई है श्री कृष्ण के द्वारा जानता है कि श्री कृष्ण इन सबके रक्षक हैं फिर भी वह ब्रजमंडल के ऊपर कोप करता है और वृष्टि कर देता है मूसलाधार वर्षा कर देता है लेकिन प्रभु के शरणागत जन है प्रभु के निज जन है ब्रजवासी गण तो प्रभु इनकी रक्षा करते हैं श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण करते हैं जाको बिरध है गर्भ प्रहारी सो कैसे बिसरे सूरदास भगवंत भजन करी शरण गए उभरे कह रहे हैं सूरदाजी कि जिसका यश ही गर्वहारी है उसे कैसे भूला जाए उसको कैसे भूल जाते हैं अतः उन भगवान का भजन करो उनकी शरण में जाने से ही सब प्रकार की सिद्धि सब प्रकार का लाभ मिलेगा अर्थात सबसे बड़ा लाभ क्या प्रभु के चरणों का आनंद प्रभु के चरणों की प्राप्ति उन्हीं के चरणों में जाने से मिल सकती है इसलिए सारी वस्तुओं को सारे व्यक्ति वस्तु स्थान सबका त्याग करके प्रभु के शरणापन हुआ जाए तभी सुख की अनुभूति हो सकती है इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए भोगादि का त्याग सब कुछ त्याग हो जाए जब तक ये त्याग नहीं होता जब तक कि प्रभु के मिलने की लालसा उत्पन्न हृदय में नहीं होती प्रभु से मिलने की लालसा हृदय में जागृत हुई कि त्याग करना नहीं पड़ता त्याग हो जाता है लालसा बड़ी मुख्य स्थिति है लालसा जिस क्षण जिस समय हृदय में जागृत हुई और लालसा जब ही जागृत होती है जब संसार असत दिखाई देता है संसार में कोई अपना नहीं जान पड़ता तब प्रभु के चरणों की मिलने की लालसा जागृत होती है और ये लालसा सत्संग के प्रभाव से बहुत जल्दी जागृत हो जाती है क्योंकि संसार असत है ये बार बार सत्संग में कहा जाता है और प्रभु ही सत हैं वही सत्स्वरूप हैं यह जब हृदय में बैठ जाता है तब प्रभु से मिलने की लालसा जागृत हो जाती है भगवान के लिए खालीपन प्रभु के लिए खालीपन का एहसास ना होने के कारण जागतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति बनी रहती है जो जगत प्रपंच है इसके प्रति आसक्ति बनी रहती है जागतिक वस्तु का अर्थ केवल रुपया पैसा घर कुटुंब ही नहीं बल्कि सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि की वासना भी जागतिक ही वस्तु है ये। सम्मान की यद्यपि सब छोड़ दिया लेकिन एक हृदय में लालसा बनी हुई है कि एक बार तो सम्मान मिले समाज में एक बार तो प्रतिष्ठा मिले सब जाने के कुछ है कोई है कोई बैठा है ये सब लालसाएं भी प्रभु से मिलने की लालसा पैदा नहीं होने देती घर कुटुंब मित्र इत्यादि को छोड़ना तब भी सरल है लेकिन प्रतिष्ठा या सम्मान के इस विष को छोड़ पाना अत्यंत कठिन है दूसरी वस्तुओं में आसक्ति रहने पर बचने की आशा फिर भी बनी रहती है लेकिन ये प्रतिष्ठा रूपी बागनी यदि एक बार हृदय में राज्य कर जाए आक्रमण कर दे तो परमार्थ प्राप्ति की संभावना बिल्कुल नहीं रहती साधक यदि एक बार इस सम्मान रूपी पिशाचनी के प्रति आकृष्ट हो जाए तो उसके परमार्थ लाभ की आशा करना बेकार है सम्मान साधक का कितना बड़ा दुश्मन है इस शत्रु के चक्र में एक बार यदि साधक फंस जाए तो उसकी सारी पारमार्थिक चेष्टा निष्फल हो जाती है विचार करके देखने पर समझा जा सकता है कि संसार अनित्य है विचार से ही समझ में आएगा सत्संग के प्रभाव से विवेक जागृत होगा विचार होगा और उस विचार के प्रभाव से संसार असत दिखने लगेगा संसार की अनित्यता समझ में आएगी प्रभु ही एकमात्र अपने जन है वास्तव में यह वृत्ति दृढ़ होने पर किसी प्रकार की विचार बुद्धि की परवाह न करते हुए मन स्वत ही ईश्वर भावना में हो जाएगा और सांसारिक वस्तुएं नीरस प्रतीत होने लगेंगी महापुरुषजन कह रहे हैं कि प्रभु के चरणों में आसक्ति होने से प्रभु के चरणों के प्रति आकर्षण होने से प्रभु के प्रति सत्य बुद्धि होने से यह अनित्य संसार अपने आप छूटने लगेगा अपने आप दूर होने लगेगा क्योंकि नास तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः असत जो है वह असत्य ही है और सत का कहीं अभाव नहीं है असत असत ही, ही है सत वस्तु में जब प्रतिष्ठित होते हैं तो उसका स्वरूप दिखने लगता है इस संसार सब असत्य है इसके प्रति आकर्षण जब तक ही बना हुआ है जब तक प्रभु का विस्मरण है मृत्यु का विस्मरण है क्योंकि मृत्यु भी एक ऐसी दशा है जो क्लेश और इन भोगों के प्रति आकर्षण खत्म कर देती है किसी की मृत्यु होने वाली हो उससे कह दिया जाए इतने दिन में तुम मार दिए जाओगे या मर जाओगे तो उसको कोई भोग कोई कुछ अच्छा नहीं लगेगा हृदय में ये बात यद्यपि सबको पता है लेकिन बस बुद्धि तक पता है हृदय में ये बात आ जाए कि एक दिन जाना है तो निश्चित रूप से इन भोग आदि में आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी किसी देश का एक राजा बहुत दिनों से एक दुस्साध्य बीमारी भोग रहा था बहुत से वैद्यों को दिखाकर भी कोई अच्छा परिणाम निकला नहीं इसके बाद राजा प्राणों की आशा छोड़ कर के दिन बिताने लगा कि अब जैसे तैसे दिन बिताए जाए ऐसे समय उसके महल में एक महात्मा आए राजा ने बड़ी अच्छी तरह से संत भगवान की सेवा करी संत भगवान भी राजा की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए अब जाने का समय आया राजा से विदा मांगी और कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं आप जो चाहो मांग लो अत्यंत हम तृप्त हुए आपकी सेवा से बोलिए आपको क्या चाहिए तो राजा ने कहा कि देखिए संत भगवान जागतिक वस्तु जागतिक चीजों की तो कोई कमी नहीं है किसी भी विषय की कोई कमी नहीं है राजमहल है लेकिन एक रोग मेरे को बहुत दिन से हो रखा है हो रहा है उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ क्या आप मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज मैं आपको अवश्य ही व्याधि मुक्त करूंगा लेकिन मैं जैसा निर्देश दूंगा उसका आपको पालन अवश्य करना होगा करुणा में होते हैं संतजन निश्चित रूप से उसका कल्याण ही जीव का कल्याण ही करना चाहते हैं करुणा स्वरूप ही होते हैं जीव का पतन नहीं देख सकते वे उसी प्रकार की वृत्ति धारण करके क्रिया करते हैं तो मैं जैसा निर्देश करूंगा राजन वैसा आपको करना पड़ेगा आप निश्चित रूप से इस रोग से छुटकारा पा जाओगे अगर आपने जरा सा भी जो मैं नियम दो उसका पालन करने में चूक करी तो मेरी दवा का कोई फल नहीं होगा तो सन्यासी जी ने जब ये बात कही महात्मा जी ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या करना है क्या आदेश है आपका राजा ने कहा महात्मा ने कहा देखिए महाराज जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिनों में आपके मन में किसी भी प्रकार का भोग विलास का उदय नहीं होना चाहिए वरना सारी दवा की जो क्रिया है वह नष्ट हो जाएगी जो भी उसका अंदर प्रभाव होगा वो नष्ट हो जाएगा जितने दिन मैं दवा का प्रयोग करूंगा उतने दिन स्त्री का मुख तक नहीं देख सकोगे आप यदि आप राजी हो तो मैं दवा का प्रयोग कर सकता हूं राजा ने अत्यंत आनंद के साथ कहा कि पूज्य जी महात्मन मैंने तो प्राणों की आशा ही छोड़ दी थी आपने आशा जागृत करी है आप यदि मुझे बीमारी से ठीक कर सकें तो फिर ये सब मैं करने को तैयार हूं दूसरे दिन सन्यासी जीवन से तरह तरह के पेड़ों की जड़ बेल आदि ला करके और अपने हाथों से रस निकालकर दो सोने के स्वर्ण पात्रों में वह रखते एक में आधा और एक में पूरा पात्र भरकर रस लेकर राजा को आधा पात्र वाला रस ग्रहण करने के लिए कहा और खुद ने पूरा पात्र वाला रस गले से नीचे उतार अर्थात पिया इस तरह से प्रतिदिन वही क्रिया होने लगी महीने भर में उस दवा का सेवन करने से राजा संपूर्ण स्वस्थ महसूस होने लगे पहले की अपेक्षा अपने को और अधिक स्वस्थ मानने लगे सबल मानने लगे इसके बाद राजा निश्चिंत हो गए चिंता गई निश्चिंत हुए तो वे संपूर्ण स्वस्थ होने के कारण दवा का प्रयोग बंद तो नहीं किए लेकिन उनके हृदय में काम वृत्ति जागृत होने लगी काम वृत्ति जो थी वह उनके हृदय में जागृत होने लगी भोग बुद्धि जागृत होने लगी अब राजा सन्यासी जी के पास गए और जाकर के कहा महात्मा जी इतने दिन तो मैं बिल्कुल संयत था नियम में था लेकिन कई दिनों से मेरे मन में प्रचंड कामुद्रेक हो रहा है भोग भोगने की लालसा जागृत होती है मैं तो अब पूरा स्वस्थ हो गया हूं लेकिन ये लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई है एक और विषय जानने की मेरी इच्छा है उत्सुकता है पूज्य महात्मा जी संत भगवान वह यह है कि आप मुझे आधा गिलास दवा दे रहे हो आप खुद पूरा दवा पी रहे हो पूरी गिलास आपको किसी प्रकार का इंद्रिय चाचल, चांचल्य नहीं हो रहा ऐसा देखने से आपको लगता नहीं कि आपको कोई इंद्रिय चांचल्य हो रहा हो क्या कारण है इसका तो पूज्य महात्मा जी ने कहा कि अब जो कल आने वाला है उसको मैं आपका निर्णय सुनाऊंगा इस बात का जवाब दूंगा दूसरे दिन सुबह सन्यासी जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे पता चला है कि आपके अंदर काम भाव जागने के कारण जो भी दवा का प्रभाव था अब नष्ट हो गया अब तो राजा एकदम हतप्रभ रह गए क्लेशित हो गए महात्मा जी ने कहेगा कहा कि केवल दवा का प्रभावी नष्ट नहीं हुआ आप केवल एक महीने और बच सकेंगे एक महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी लेकिन आपके लिए खुशखबरी है आपके लिए एक शुभ सूचना है कि इस एक महीने में आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी सुख के साथ प्राणाप त्याग कर सकेंगे मैं इसके लिए आपको एक दवा दूंगा और आप अनुसार भोग भोगिए अब जो आपको भोग भोगना है वह भोगिए इस बात को सुनकर राजा मानो उसके प्राणी निकल गए ऐसी हालत हो गई उसकी तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता राजा को राजा ने कहा कि एक महीने भोग भोगू कैसे भोग सकता हूं एक महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी और आप कह रहे हो कि भोग भोगू ऐसा कैसे हो सकता है अब सन्यासी जी प्रतिदिन उक्त दवा दे करके वो गिलास भरकर राजा को देने लगे राजा भी दवा खाने लगे पूरे बदल गए राजा कहीं भी मन नहीं लगता उनका ना किसी विषय को भोगने में ना किसी भोग को वो कोई किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उनका मन नहीं लगता हर समय एक ही चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होने वाली है किसी से बात नहीं करते हर समय मृत्यु की फिक्र लगी है साथ साथ ये सब याद आने लगा कि मैंने कितने बुरे कर्म करे यमदूत आएंगे कितनी तरह की यातनाएं देंगे नरक ले जाएंगे इस प्रकार की सोचों ने मन को घेर लिया तथा एक एक दिन बीतने लगा और राजा मृत्यु के दिन गिनने लगे घर संसार अच्छा नहीं लगता जो राजा विषय भोगों थोड़ा स्वस्थ होने पर विषय भोगों की लालसा जिसके हृदय में जागृत हो गई थी अब मृत्यु की सूचना सुनकर कि अब एक महीने बाद निश्चित है मृत्यु वो पूरा बदल चुका है हर समय उसको एक ही चिंता सता रही है कि अब मृत्यु होगी भगवान के मंदिर में जाता है रोता है उनके सामने जो ही एक महीना पूरा हुआ उसी दिन पूज्य महात्मा निकट आकर के कहने लगे महाराज कैसे हैं आप तो महाराज ने अत्यंत करुण भाव से कहा महात्मा जी केवल मात्र शरीर ही है प्राण नहीं है कहना उचित नहीं है कि प्राण हो मेरे जीवन मेरे शरीर में सन्यासी जी ने पुनः पूछा महाराज ये जो आपको ये एक महीने का अंतराल हुआ इसमें आपको कोई काम भाव कोई भोग बुद्धि महसूस हुई तो महाराज ने कहा कि आप भी क्या बात करते हैं महात्मा जी दो दिन बाद जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसके मन में किसी प्रकार की भोग बुद्धि आ सकती है क्या सन्यासी जी ने तभी मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और दीर्घायु हो गए हैं अब आपकी मृत्यु नहीं होगी लेकिन आपने जो मुझसे प्रश्न किया था कि इतनी दवाओं का सेवन करने पर भी मेरी किसी प्रकार की इंद्रिय चंचलता नहीं दिखाई पड़ती इसका कारण मात्र यह है कि मैं सर्वदा देखता रहता हूं कि किसी भी पल मेरी मौत हो सकती है मृत्यु हो सकती है किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं हर समय मृत्यु को देखता रहता हूं हर समय मृत्यु को सामने देखता रहता हूं तो मेरे हृदय में बना रहता है कि अब कब मेरे प्राण निकल जाए कब मेरी अंतिम सांस हो जाए इसलिए कहीं भी मेरा आकर्षण नहीं होता कहीं भी मेरी भोग बुद्धि नहीं होती और मैं हमेशा प्रभु के चिंतन में मतमस्त रहता हूं मृत्यु जीवन का अवश्य भावी परिणाम है इस बोध के के मेरे अंदर होने के कारण सांसारिक जितनी वस्तुएं हैं मुझे आकर्षित नहीं कर सकती आपने स्वस्थ होकर ही सोच लिया मौत का डर आपके हृदय से समाप्त हो गया इसी कारण आपके हृदय में भोगवासना को उदय हुआ महाराज ये संसार अनित्य है यह शरीर अनित्य है इसलिए इस मिथ्या तथा अनित्य वस्तु के मोह में ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म की अवहेलना मत कीजिए नष्ट मत करिए जो इस मनुष्य जन्म की अवहेलना करता है वह आत्मघाती है महाराज मनुष्य का प्रत्येक पल प्रत्येक श्वास कितनी कीमती है ये कहकर समझाने वाली बात नहीं है बहुत कीमती श्वास है क्षण मृत्यु हो जाए इसलिए हर समय प्रभु का स्मरण बना रहे मैं सौ वर्ष जीवंगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है किसी भी पल मृत्यु हो सकती है ऐसे दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त कर जागतिक सुख की आशा में समय बिताने जैसी मूर्खता और दूसरी नहीं है लेकिन आश्चर्य है प्रभु की माया का कि दिन रात अपने लोग श्रवण करते हैं लेकिन उसका चिंतन न होने के कारण वह हृदयंगम हो पाता और फिर उन्हीं भोग बुद्धि के द्वारा हम ग्रसित हो जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं जैसे एक जंगल में चिड़ियों को जो बहेलिया था वह पक्षियों को दाना डालकर और उस जाल में फंसा रहा था तो एक महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ दुख हुआ और उनके हृदय में द्रवण क्रिया हुई और कृपा करके उन्होंने सब जंगल के जो निवासी थे सबको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूं इसको हृदयंगम करना हृदय में धारण करना और आचरण करना है इसके अनुसार तुम कभी फंसोगे नहीं तुम मारे नहीं जाओगे बहेलिया आएगा दाना डालेगा छुगना नहीं फंसना नहीं सबको बता दो ये अब पूरे महात्मा की आज्ञा है सब जगह ये बात फैला दी गई कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा चुगना नहीं फंसना नहीं सब जगह फैल गई थोड़े दिन बाद महात्मा फिर उसी जंगल से निकले तो सब उस जाल में फंसे हुए हैं, दाना चुग रहे हैं और गा रहे हैं बहेलिया आएगा दाना डालेगा चुगना नहीं फंसना महात्मा ने कहा ये रटने को थोड़ी कहा था तुमसे ये धारण करने को कहा था इसलिए हम जैसे जो जीव हैं वे केवल बौद्धिक दरा से महापुरुषी की वाणी को हृदयंगम ना करके केवल उसको सीख लेते हैं यद्यपि वह भी एक दिन बोध कराएगी कभी किसी ना किसी दिन शब्द जागृत होगा और वह बोध संपन्न करेगा लेकिन ये बात रटने की नहीं है दूसरे को सुनाने की नहीं है हृदय में धारण करने की है अगर हृदय में एक बार ये बात आ जाए कि अब मृत्यु हो जाएगी तो देखो परीक्षित जी के हृदय में बात आ गई कि अब मृत्यु होगी तो वह अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे और जाकर के महापुरुषों के चरणों के चरणाश्रित हुए और प्रभु ने उनको स्वीकार किया वे जीवन मुक्त हुए प्रभु के चरणों में गए तो प्रत्येक वस्तु व्यक्ति स्थान से ममता रहित होकर के प्रभु के चरणों में जब समर्पित हो जाया जाता है प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया जाता है हृदय से तो प्रभु के चरणों में प्रेम बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है प्रभु के चरणों में बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं बहुत गई थोरी रही नारायण अब चेत काल चिरैया चुग रही निष्दिन आयु खेत बहुत चली गई कितने वर्ष बीत गए अब अगला पता नहीं कब तक हम जियेंगे बहुत चली गई थोड़ी रही है अब तो चेतना हृदय में आए श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं चेतो अब हृदय में चेतना लाओ जागृत हो महापुरुषों की वाणी के द्वारा क्योंकि ये काल चिरैया ये काल व्याल काल अव्याल ग्रास त्रास निर्णाश हेतव ये पूरा संसार काल रूपी व्याल अर्थात सर्प के द्वारा खाया हुआ है इसलिए ये काल ये जो है ये, ये आयु रूपी खेत को यह जो हमारी आयु है जो हमें समय मिला है हर समय यह चलता चला जा रहा है रुक नहीं रहा है ये जो क्षण गया यह फिर वापस नहीं मिलेगा ये जो समय गया ये फिर वापस नहीं आएगा इसलिए चेतो नारायण सुख भोग में तू पट दिन रैन अंत समय आयो निकट देख खोल के नैन हर समय भोग वृत्ति में सुख बुद्धि करके हम लगे हुए हैं लंपट की भांति आकर्षण किए हुए हैं अंत समय निकट आता जा रहा है जरा नेत्र खोल के देखें महापुरुष जन चेतावनी दे रहे हैं कि जागृत हो देखें कोई नहीं यहाँ पर रहा बड़े बड़े आए बड़े बड़े धराशायी हो गए कोई नहीं जानता उन्हें कुछ उदाहरण दे रहे हैं नारायण स्वामी हिरण्याक्ष जग में विदित हिरणा हिरणाकश्यपु बलवान नारायण क्षण में भय यह सब राख मसान कितना बलवान था हिरण्याक्ष कितना बलवान था हिरणा कश्यपु लेकिन राख के समान हो गए सब क्षण भर में कुंभकर्ण दस कंठ से नारायण रणधीर भय सकल भटकाल काल वशु जिनके कुलशरी कुंभकर्ण दशानन रावण जिनके भय से पृथ्वी कांपती थी चलत दशानन डोलत अवनी वह भी काल के वश हो गए वह भी काल के गाल में चले गए उनका कोई भी शरीर कोई भी वस्तु कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है कोई नहीं जानता कोई नहीं उनको पहचानता कोई उनका स्मरण नहीं करता नारायण संसार में भूपति भय अनेक मैं मेरी करते रहे ले न गए एक बड़े बड़े भूपति राजा हुए ये राज्य मेरा ये शासन मेरा यहां मैं शासन करूंगा वो राज्य मेरा एक दूसरे पर चढ़ाई करके अर्थात ये राज्य जीत लेना यह सब करते रहे लेकिन जरासी भी वस्तु उनके साथ नहीं गई सुई के बराबर भी कोई वस्तु उनके साथ नहीं गई सब लोग जानते हैं सिकंदर जब मरा मरने वाला था तो अपने निर्जनों से उसने कहा कि मेरे हाथों को तुम बाहर कर देना जो मेरी जब अंतिम यात्रा निकले तो उसमें से मेरे हाथों को बाहर कर देना ताकि ये संसार जाने कि जिस सिकंदर की कोश की चाबियां उन्नीस ऊटो पे चलती थी वह भी खाली याद गया उसके साथ भी कुछ नहीं गया बड़े बड़े भूपति राजा बिल्कुल कुछ नहीं ले जा पाए तरण भर भी कुछ नहीं ले जा पाए भुज बल जीते लोक सब निर्भय सुख धन धाम नारायण तिन नृपन को लिखो रह गयो नाम अपने भुजाओं के बल से जाने कितने राज्य आदि जीत लिए लेकिन केवल नाम भर उनका शेष रह गया और कुछ नहीं है कोई उनका नामो निशान नहीं रह गया हाथ जोरी जिनके सन्मुख काल नारायण सो बलि परे काल के गाल जिनके आगे स्वयं काल हाथ जोड़ करके खड़ा रहता था वह भी काल के वश हो गए उनको भी कोई नहीं बचा पाया उन बलियों को भी कोई नहीं बचा पाया वह भी काल के गाल में गई जिनके सहजई पग धरत रज होत पशान, नारायण तिन को रयो न नाम निशान जिनके चरण धरने से पाषाण भी रज के समान चूर्ण हो जाता था उनका भी कहीं नामो निशान नहीं रह गया इसलिए नारायण स्वामी कह रहे हैं रे मन क्यों भटकत फिरत भज श्री नंद कुमार नारायण अबहू समझ भयो न कछु बिगाड़ परम करुणा संत संतजन परम कृपालु संतजन जो उस रस का अनुभव कर चुके हैं जिनको अब कोई मतलब नहीं फिर भी वे द्रवित होकर के करुणावान होकर के अपनी बात कह रहे हैं ये उनकी सबसे बड़ी करुणा है वे चित्त से द्रवित होकर के कह रहे हैं कि अब भी समय है अब भी समय है अपनी बिगड़ी हुई को सुधार लो मत भटको मत फिरो इधर उधर और नंद कुमार नंद नंदन प्रिया प्रीतम इनकी शरण हो जाओ इनका शरणापन के इनके समर्पण हो करके, इनका भजन करो सब स्वार्थ हैं, जितना भी ये मित्र हैं जितने भी हम जिनको स्वजन संबंधी मानते हैं सब अपनी चाल से चल रहे हैं कोई आपका साथी नहीं है सबकी एक सीमाएं हैं एक सीमा तक आपका वो सहयोग कर सकता है प्रभु असीम है वो सीमा से बाहर भी आपका सहयोग कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान तक आपके साथ है उसके बाद उसका साथ छूट जाना निश्चित है लेकिन प्रभु हर समय हर क्षण आपके साथ है इसलिए तात मात त्रिय भ्रात सुत और सकल परिवार नारायण अपनो वही जाको हरिस प्यार जिनका प्रभु के चरणों में प्यार है केवल वही मेरे हैं वही अपने हैं बाकी कोई मेरा अपना नहीं है कोई व्यक्ति कोई वस्तु कोई स्थान जो मेरे प्रभु के चिंतन को छुड़ा दे वो मेरे नहीं हैं नहीं हो सकते नहीं रहेंगे इसलिए हर समय इन भोग बुद्धि को त्याग करके इस भोगाशक्ति को त्याग करके प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर समर्पण की भावना जागृत हो जाए यही जीवन का परम लाभ है श्री राधा